विधानसभा चोणां 2022 नूं लै के जिला प्रशासन दे वल्लों सारे प्रबंध मुकम्मल किए जा चुके हैं। चोणां दे वेरवे संबंधी अज गुरदासपुर विखे चोण अबजरवरां अते पुलिस प्रशासन वल्लों मीडिया दे नाल गलबात की गई। इस मौके ते जानकारी दिंदिया जिला चोण अफसर कम डिप्टी कमिश्नर गुरदासपुर ने जानकारी दिंदिया दस्या कि विधानसभा चोणां 20 फरवरी नूं होणगियां, जिस नूं लै के सारे प्रबंध मुकम्मल किए जा चुके हैं। अज असी जिला गुरदासपुर की इलैक्शन तैयारियों बारे इलैक्शन कमिश्न के हदायतों अनुसार एक प्रैस ब्रीफिंग की है, जिद साडे मानयोग ऑबजरवर साहबान वो हाज़र सके, साडे एस एस पी गुरदासपुर, एस एस पी बटाला ते मैं। और मैं दसना चाहवागा साढ़े को चार जनरल ऑबजरवर आए हैं, दो एक्सपेंडिचर ऑबजरवर ने और दो पुलिस ऑबजरवर ने। इस बार इलैक्शन कमिश्न ने चोणों निरपक्ष कराने लिए ऑबजरवर भी ज़्यादा लगाए हैं और अजे प्रैस ब्रीफिंग की गई सी। यह मेन मंतव से असी अपनी इलैक्शन की तैयारी बारे मीडिया के राही पब्लिक में जानकारी दे सकी है। और अज हुण इहदे राही मैं दसना चाहवागा कि साढ़े पूरे इंतजाम मुकम्मल ने, असी कोविड का ही पूरा ध्यान रखांगे और पुलिस वालों सुरक्षा के पूरे प्रबंध किए गए हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की पालना हित साने टीमों का गठन किया हुआ है, इलैक्ट्रॉनिक वे नाल कैमरिया के नाल गड्डिया के राही और मोनीटरिंग की जा रही है। इलैक्शन कमिश्न द्वारा सी विजिल ऐप दी गई है, वो राही कोई भी नागरिक किसी थान से ऑनलाइन शिकायत कर सकता है, किसी फोन करने की भी लोड़ नहीं है। ऐप डाउनलोड करके गूगल प्ले स्टोर तो अपनी शिकायत कर सकता है और 100 मिनटों का पहला मनोदा निपटारा किया जा रहा है। और पूरी साड़ी तैयारी मुकम्मल है, कोविड का पूरा प्लान किया गया, वैक्सीन ड्राइव बहुत तेजी ने चल रहा है। अज 90% लोगों को पहली डोज़ लग चुकी है गुरदासपुर के, और 71% लोगों को सैकेंड डोज़ लग चुकी है। और साड़ी कोशिश है कि इलैक्शन तो पहला असी 95% उपर जी फस्ट डोज़ कर दईए और सैकेंड डोज़ जी 75% लोगों को कर दईए या जिन्हें एलीजिबल है। और इलैक्शन के वेले भी जो कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट है उन्होंने भी वोट पाने का हक होएगा, सिर्फ एक गल है उन्हें शाम को वक्रे तौर पर बुला के वोट पाई जाएगी। साढ़े पूरे प्रबंध ने और पूरी तरह जी जिला मशीनरी है वो तैयार है।